तुम पैसे दोगे ना मुझे मेकअप के तो ये वाली किटी घर से लेकर आए अभी, क्योंकि हमारी ड्राई स्किन है ना तो बहुत ज्यादा फैल जाता है वो। तो आई मेकअप भी हो गया, मैंने क्लोज से दिखा देती, दिखाई बोलो के साथ हम हाँ। पहन सकते हैं और ये प्रेगनेंसी के लिए सही है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह से ना अभी थोड़ी मुझे ताकत आई है, पावर आई है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं आज कर देती हूँ गोलू का मेकओवर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका मेकअप ट्यूटोरियल दे देना हमें। तो मैं सबसे पहले अपनी पूरी किट दिखा देती हूँ, मैंने जो किट रेडी करी है, किट में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है बहुत दूर से मैंने बुलाए, इनके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं था कि आज आ पाई, क्योंकि काफी ज्यादा मेकअप से तब भी अपने नाइट सूट में आई है हमारे घर में। मैं बहुत थकी हुई थी आज पूरे दिन के मेकअप में, बिजी थी, मेरे एक एक मेकअप बहुत बहुत दूर से आता है। और इनको हमने ऐसे नहीं खा, यहाँ पे ऐसे नहीं बुलाया, देखो दूध भी दिया था ना, अभी दूध दिया ना आपको। तो मैं पहले अपनी वैनिटी खोल लेती हूँ। तो इसके बल्ब जो है ना, बल्ब एक्चुअली मैं शूट पे गया था, वहीं रह गए। अच्छा, बल्ब अभी नहीं लगे हुए, इसके बल्ब के बिना आप देख लो, ठीक है? हमारे घर में बल्ब होते ना तो हम लोग दे देते तुम्हें। तुम पैसे दोगे ना मुझे मेकअप के, उससे मैं दोबारा खरीद, ठीक है? तो सबसे पहले मैं वैनिटी पूरी खोल देती हूँ, ठीक है? तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास? मेरे पास जो है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। हुडा ब्यूटी है, टाट है, एले है, एले है, और आपके पास पैक भी है, और ये क्रीम है, ये क्रीम बहुत अच्छी है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये नार्स भी है मेरे पास। इस ये क्रीम मुझे बढ़िया लगी, ये भी बताती हूँ, ऐसे एक एक करके बताते हैं। ये दो फाउंडेशन है, दो शेड है, एक थोड़ा लाइट है, एक थोड़ा डार्क है, नार्स का है। तो आपकी किट में ना, पहले मैं अपने सारे फाउंडेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? आप इनका सिनेमैटिक शॉट भी डालते हैं, ठीक है? ठीक है, कुछ फाउंडेशन अंदर भी पड़े ड्रॉअर में, लेकर आऊँ? तो ये वाली किट घर से लेकर आए अभी, नहीं नहीं So don't leave me alone. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ Givenchy, जो हमने बहुत पहले लिया था, अभी भी चल रहा है। ये आया था 4800 का। उसके बाद है नार्स, ये तो सभी लोग जानते हैं, नार्स के दो शेड ले रखे हैं मैंने, एक लाइट एक डार्क, और ये भी 5 ही रेंज में ही आते हैं। उसके बाद है विजार्ट, ये भी 5 की रेंज में आता है। फिर है मैक, ये हाईलाइटिंग के लिए रखा है सिर्फ, ये है 3500 का। फिर है ये दोनों फॉर एवर 52 के प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन, ये आएगा आपका 2200 समथिंग का है। तो गाइज, ये जो है एलेगल के, ये आते हैं 1200 के रेंज में, और ये जो है बहुत अफोर्डेबल होते हैं, ये आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। एक नेचुरल, एक फेयर है, दो शेड लिए मैंने। ये भी 4 Hour 52 का अल्ट्रा लिक्विड है, इसका जो रेंज होगा 1600-1700 रुपए का होगा। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, शुगर का 17 नंबर है। अभी ये सस्ता हो गया, पहले था 999 का, अभी हो गया 8 कुछ समथिंग का हो। तो ये सारी है मेरी फाउंडेशन की कलेक्शन। तो गाइज, ये सारे मेरे कंसीलर हैं, और सब में एक लाइट टोन है, एक डार्क टोन है, और ये जो ऑरेंज करेक्टर है, ये ऑरेंज करेक्टर, ये मेरे जो से डार्क सर्कल आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं ना, डार्क सर्कल या फिर आपके दाने के निशान होते हैं, उनको छुपाने के लिए ये ऑरेंज करेक्टर यूज किया जाता है। ग्रीन यूज किया जाता है पिम्पल्स के लिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और पर्पल यूज किया जाता है, जैसे जो फॉरनर्स होते हैं उनके ऐसे रेड रेड पोर्स होते हैं, उसके लिए किया जाता है। और एक बहुत ही अच्छी चीज आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे कंसीलर। तो गाइज, ये है उसकी पैक की ना पोर, जैसे जिसके गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, जैसे कोई दाने के गड्ढे हो जाते हैं, किसी को चिकन पॉक्स होता है, उसके भी गड्ढे होते हैं, तो उसको पूरा कवर करने के लिए ये पैक का आता है 0 पोर। तो ये लगाने के बाद ना आपके जो पोर्स हैं वो छुप जाएंगे। तो गाइज, ये दो मेरे पास है मेकअप के, बेकिंग पाउडर और एक लाइट टोन है, डार्क टोन है। साथ ही साथ मेरे पास ये शुगर का, मैं थोड़े दिन पहले लाई थी, बनाना पाउडर, और ये है क्रायलॉन का, ये भी पाउडर है। So don't leave me alone. चलो यार मेकअप करो, कभी कुछ शादी में जाने। एक मिनट मैडम, एक मिनट, टाइम नहीं है, मेरी वीडियो बन रही मैडम, आपके मेकअप से ज्यादा जरूरी है। So don't leave me alone. तो सबसे पहले ना हमारे पास है अर्बन डिके का क्विक फिक्स, अगर हम किसी की स्किन हाइड्रेट नहीं है, जैसे बहुत रफ रफ है, तो हम इसको यूज करेंगे मेकअप से पहले, ताकि उनका जो मेकअप है फिक्स रहे। और साथ ही साथ है सेटिंग स्प्रे, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं मेकअप के बीच में। नहीं, इसको हम तब यूज करेंगे जब हम फेस क्रीम लगा लेंगे। क्रीम ये क्रीम है ना, ये वाटर बेस्ड क्रीम है, और ये ऑल टाइप स्किन है, मॉइस्चराइज भी है, प्राइमर भी है, ठीक है? और ये बहुत अच्छी क्रीम होती है, इसका नाम नहीं है। ऑल जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है वो अपने मेकअप में इस क्रीम का यूज बहुत ज्यादा करते हैं,
ठीक है, और ये जो हम डेली रूटीन में कलर बार का ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, ये मुझे फ्री में मिली थी गाइस, आपको पता ही है स्मैश बॉक्स के साथ। और ये वाला जो ऑयल है ना, ये ऑयल बहुत अच्छा होता है, आप इसको रात को अगर लगा के भी सोएंगे तो भी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है क्रायलॉन का, जैसे थिक फाउंडेशन होते हैं, जैसे मेकअप स्टूडियो का हो गया, मैक का हुडा ब्यूटी हो गया, हुडा ब्यूटी होगा, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है सर्दियों में, और ज्यादा थिक हो जाते हैं, तो उनको पतला करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। फिर ये हमारे मेकअप फिक्सर है मैक के, ये भी हमारा मेकअप फिक्सर है, ये है पैक का। ले लो मैडम, ठंड में मर जाओगी फिर बोलोगी हमारा मेकअप आर्टिस्ट का दोस्त लगा दोगे फिर आप। चलो भाई शुरू करते हैं। कितनी दूर से कर लोगे? मैं उधर ही आऊंगी। शुरू करते हैं हम सीटीएम से। सीटीएम में सबसे पहले मैं इनका जो फेस है वो क्लीन करूंगी व्हाइटनिंग क्लींजर फॉर्म से, क्योंकि इनका जो फेस है वो बहुत ही डस्टी वस्टी हो रहा है। अपने आईब्रो नहीं बनवाते क्या? मैं नहीं खेल रही, पहले आईब्रो बना दो, मैं नहीं खेल रही। चलो तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, थोड़ा छोटा सा स्टेप आपको दिखा दूंगी क्या क्या कर रही हूँ। तो पहले करूंगी क्लींजिंग, फिर करूंगी ऑयलिंग और फिर करूंगी क्रीम। मैं तीन चीज का यूज करूंगी और स्प्रे भी करूंगी, सेटिंग स्प्रे, ताकि जो बेस है ना मेरा बेस जो है वो क्रैक ना हो। जैसे आप देखते हो ना, काफी बार मेरे यहाँ पे ऐसी लाइन होने रहती है, वो इसी वजह से बने रहती है, क्योंकि मैं जो प्रैप नहीं करती अच्छे से स्किन को, लेकिन गोरु की स्किन में बहुत अच्छे से स्प्रैप करूँ। बस इससे ज्यादा आपके स्किन पे जाएगा नहीं, महंगा है। तो अभी मैंने गोलू की स्किन पे ना ये FC का मेकअप मॉइस्चराइज प्राइमर यूज किया अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारी ड्राई स्किन है ना, तो इससे जो है जो ड्राइनेस जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ गाइस मैं इसका प्राइस आपको बता देती हूँ, 650 का है, बहुत ही रिजनेबल है, कोई भी यूज कर सकता है। आइस क्लोज मैडम, आइस क्लोज। तो अब मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 का फिक्स क्विक सेटिंग स्प्रे। मैं यूज करने जा रही हूँ गोलो के फेस पे, एक तो इसकी जो स्किन है ना वो अनइवन नहीं है ज्यादा, तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी इसके लिए ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि पिंपल्स, हाँ पिंपल्स के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी, और बाकी उसके लिए ये वाला कंसीलर यूज करूंगी, हुडिया कह रही हूँ, हुडा ब्यूटी का। तो गाइस ये जो प्राइमर और ये है ना करेक्टर, इसका सबसे ज्यादा जरूरी काम ये होता है कि अगर हम स्किन को इवन नहीं करेंगे ना तो हमारा जो फाउंडेशन है बाद में वो ब्लैक पड़ जाएगा, तो इसके लिए पहले हम ऑरेंज करेक्टर और कंसीलर से पूरा इवन करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद स्प्रे करके फिर फाउंडेशन। मैं एग्जांपल दूं? हाँ दे दे। अब जैसे वॉल है, वॉल पे छेद है, अगर जब तक हम पुट्टी से छेद को नहीं भरेंगे तो पेंट में मजा नहीं आएगा, तो जब तक पुट्टी से भर के फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, जो मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है ना, ये ब्यूटी लेशेस के हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। हुडा ब्यूटी भी उस दिन मैं लेके आई हूँ, पर हुडा ब्यूटी जो है ना वो अभी नया है तो वो इतना सॉफ्ट नहीं हुआ अभी, ये थोड़े पुराने हैं, तो ये सॉफ्ट है, आज इसी को यूज करूंगी मैं। तो गाइस जो ऑरेंज करेक्टर है मैंने प्लेट पे अच्छे से इसको ना ब्लेंड कर लिया है, ताकि जो है अच्छे से फेस पे लग सके। तो गाइस मैंने प्लेट पे इसलिए इसको फैलाया ना, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर फेस पे करेंगे ना तो बहुत ज्यादा फैल जाता है वो, इसलिए प्लेट पे पहले ब्लेंड किया मैंने, उसके बाद देखो कितना अच्छा अच्छे से मर्ज हुआ यहाँ पे। देखो इस ऑरेंज करेक्टर को जो है मैंने यूज कर लिया है फेस पे बहुत ही अच्छे से। अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये जो टांके आपको दिख रहे हैं ना, ये गोलू बचपन में 8 साल की थी, अपनी दोस्त के साथ ना कीकली खेल रही थी, पिंकी नाम था उसका, पिंकी अगर वीडियो देख रही है तो याद कर लेना। तो उसने इसको गटर के ढक्कन पे घेर दिया था, लोहे की गटर होती थी ना उस टाइम पे ढक्कन, तो इसको ये कट लगा। तो ये ले लिया है मैंने हुडा का कंसीलर, आधा अप्लाई भी कर दिया, थोड़ा बहुत और चाहिए था तो दोबारा लिया। इसको थोड़ा उंगली से मैंने वार्म कर दिया इस पे, इसको क्या कहते प्लेट ना, मेकअप प्लेट, इस पे कर दिया, अब मैं इसको लगा देती हूँ। तो गाइस अब इसमें मैंने फाउंडेशन जो मिक्स किए हैं मैंने नार्स का, और इसका नाम ना मुझे थोड़ा सा कम आता है, विसाट, इन दोनों को किया, क्योंकि ये वाला जो फाउंडेशन है ये थोड़ा थिक है, ये थोड़ा क्रीमी है, तो दोनों को बेस मिक्स करके मैंने इसके लिए इसके टोन के हिसाब से फाउंडेशन बनाया है। तो ये है मेरा टार्ट का हाइलाइटर, इससे मैं है ना गोलू के जो टी जोन है और आई, अंडर आई, ये सब जो है हाईलाइट करूंगी। और ये है गाइस टार्ट का शीट लाइट, लाइट शीट। तो मैंने देखो गाइस टी जोन पे सारा जो है हाइलाइटर लगा दिया। अब अरमान जी आए हैं, कह रहे मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तेरी, मैं ठीक है कर दो, हाँ मिक्स कर दो, सारे में मिक्स कर दो, ब्लेंड करने बेटा, ब्लेंड करने अच्छे से, हाँ ऐसे, हाँ राइट। अरे ये तो मैं एक मिनट का काम है, एक चुटकी का हाथ का काम है ना। तो गाइज मैंने बेकिंग कर दी थी, बेकिंग थोड़ी देर रखी है मैंने, अब मैं सब बेकिंग को सारी क्लीन कर देती हूँ, 2 मिनट रखी है, हाँ तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो गाइज ये ब्रशेस मेरे पास सिर्फ अभी 4 ही है, ये आई मेकअप के लिए है, और ये है ब्यूटी लैशेस की, और ये बहुत ज्यादा अच्छी ब्रश है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है। साथ ही साथ गाइज ये जो है ना ब्लशर किट है, और ये है यूरोप गर्ल का, और जो मैंने पहले गोलू को है ना ब्लशर कर दिया है, तब तक जब तक मैं आई शेडो मेकअप आई मेकअप करूंगी ना, ये जो है अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना मैंने इस पे पाउडर यूज किया है, क्योंकि क्रीजिंग आ गई थी, काफी देर से बेस बना हुआ था ना, तो पाउडर यूज किया है तो लाइन्स थोड़ी कम हो गई है।
तो आई मेकअप भी हो गया, मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप रखा है आईज का, पिंक शेड दिया है लास्ट में, लास्ट की जो ये वाली कॉर्नर होती है इस पे हल्का पर्पल दिया है, इधर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर दिया है। सुंदर लग रहा है, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। पास से दिखा देती हूँ, और ये वाली पैलेट से किया है मैंने यूज किया है अर्बन डीका का हैवी मेटल कट क्रीज के लिए, गोलू की क्रीज बनाई है। देखो गाइस, गाइस मेरा रैपअप हो गया, सब मैंने पैक कर लिया, अपनी वैनिटी बंद कर देती हूँ क्योंकि मेकअप हो गया कंप्लीट। ओ मैडम मेरी लिपस्टिक, ये लिपस्टिक गाइस मैंने नई ली थी सफोरा की। हाँ तो ये बहुत महंगी है गाइस, तो क्लाइंट को नहीं देके जा सकती। दिखाओ मैम, तो ये है मेरा मेकअप गाइस, देखना और कैसा लगा कमेंट जरूर करना। बहुत अच्छा लगा, मैं जाऊँ कहाँ पे समझ नहीं आ रहा अभी रात को। एक काम करो आप, मुंह धो के सो जाओ। नहीं मुंह दो ऐसे सो जाओ, अगले दिन पिंपल हो जाएंगे, फिर आपके मेकअप पे बात आ जाएगी। क्लोज से दिखा देती, दिखाई बोलो, ये है मेरा क्लोज मेकअप, देखो। तो गाइस अभी ना मैं आपको पहले गोलू के फेस इधर दिखा, तुझे कैसा लग रहा है मेकअप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो स्किन में मतलब एक बार भी ना वो नहीं आ रहा, जैसे क्रैक्स नहीं आ रहे, एकदम इवन मेकअप हुआ है। ये थोड़ा आपको यहाँ पे इसलिए काला काला लग रहा है, इसकी मूछें आ रही है। हाँ वो मेरे फेस पे बाल है इसलिए। और अब हम आपको दिखाएंगे इसका वो वाटर प्रूफ है कि नहीं है। चल गोलू, हाँ दिखा दे अब। तो ये देखो गाइस वाटर प्रूफ है। तो गाइस सो के हम लोग उठ चुके हैं, अभी बज चुके हैं 11 और 11 बज गए हैं। अभी चीकू के पापा को टास्क दिया हुआ है एक चाय बनाने का चूल्हे पे, तो देखो वो कैसी चाय बनाते हैं। और चीकू के पापा के साथ चीकू भी जो है वो साथ में मिला हुआ है। तो फाइनली हमारे घर में जो है स्पीकर आ चुका है, और स्पीकर हमने लगाया है ड्राइंग एरिया में। तो चीकू के पापा के हाथ के पकौड़े और चाय खा के मजा ही आ गया। ये तो है ही, और चाय तो इतनी टेस्टी थी ना, मैंने दो बार पिया भाई। तो गाइज अगर ये व्लॉग आपने देखा नहीं है तो 2 बजे आएगा व्लॉग, आप देख लेना फैमिली फिटनेस पे। तो छत पे आई हुई हूँ, सोचा है जो पौधे थोड़े से जिनकी मिट्टी सूख गई है उनमें पानी डाल देती हूँ। तो ये वाले पौधे में ना मेरा टमाटर भी आ रहा है छोटा सा, एकदम लाल लाल सा दिख रहा है पीछे गाइज, दिखाती हूँ हल्का सा ऐसे करके, ये रहा छुटकला सा। तो गाइज घर पे आई हुई थी, तो घर पे मेरा एक पार्सल आया हुआ था, और बहुत ही सुंदर पार्सल आया हुआ था टीजन मोर से, जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था काफी टाइम बाद। तो ये हम पहन सकते हैं न्यू ईयर पे गोलू। हाँ लूज लूज, हाँ ये वैसे ही ड्रेस है हमारे पास। गोलू अगर हमें अगर ये ना पहनना हो ना कोट के साथ, हम हाँ। ये पहन सकते हैं कोट के ऊपर, कोट के नीचे। अच्छा स्कीवी और उसके नीचे बहुत सुंदर लगेगा। हाँ 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 ठीक है, चलिए हो गए। ऐसे हमारे पास और भी रखे हैं ब्लू एंड पिंक, और ये भी आया गोलू, हम ये भी पहन सकते हैं पूरा। तो ये रेड वाले में 2 कलर है, ग्रीन और रेड, दोनों अच्छे लगेंगे। और इसमें भी 2 कलर है, ब्लैक एंड पिंक। तो ये जो मैंने अभी दिखाया ना उसका ग्रीन कलर है। तो एक कॉर्ड सेट ये आया है, कॉर्ड सेट में 2 कलर है, ऑरेंज और रेड। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है, और ये प्रेगनेंसी के लिए सही है, बहुत खुला है, बहुत आगे तक आ जाएगा, मतलब 8-9 महीने तक आ जाएगा। हाँ तब तक ठंडी रही तो ये है शॉर्ट पजामा, नहीं शॉर्ट नहीं है फुल पजामा है। अच्छा ऊपर से लग रहा था, हुडी वाला है, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ना चीकू जिद कर रहा है कपड़े पहनने की, मुझे ऐसा लग रहा है 1 या 2 साल बाद ना इसको सारे कपड़े हमारे आ जाएंगे सारे। तो गाइस इस पार्सल के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइस।